बंद करो, बंद करो, जम्मू को बेचना बंद करो, बंद करो, जम्मू को बेचना बंद करो, बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म कर हाय हाय, जम्मू को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू को बेचना बंद करो, हाय हाय हाय, बीजेपी गवर्नमेंट हाय हाय, हाय 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 हाय, हमारी जमीनें वापस, जमीनें वापस दो, हमारी जमीनें वापस दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी जिंदाबाद, तानाशाही जिंदाबादी, 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 बीजेपी हाय हाय, बीजेपी 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 देखिए आज का हमारा ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये जो एलजी गवर्नमेंट की एक नई उन्होंने एक आर्डर निकाला है, ये जो कि वो बाहर के लोगों को जम्मू की लैंड जो है वो देने जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आज मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में इनको जम्मू कश्मीर के साथ तो कोई प्यार है नहीं, इनको प्यार तो जम्मू कश्मीर की ज़मीन के साथ था, रिसोर्सेज के साथ था, तो आज इनका वो प्यार आपके बाहर आ गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसी तरीके से जब उन लोगों को ला रहे हैं। मुझे आप बताइए कि वाकया में अगर ये जम्मू के लोगों के हक में हैं, जम्मू के नौजवान की बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं आज तक जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दर 22% हो चुकी है उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जा रही? ये ऐसे सबमिट करा के, और एक बड़ी बात आपको बताऊँ चलना चाहूँगी, जो उस प्रोग्राम में जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने ये बताया है कि वहाँ के जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज वो भी एक बाहर की कंपनी को दिया गया था, डिनर के लिए कैटर बार से आए हैं, हलवाई खाना खाने के लिए बाहर से लोगों को लाया गया, तो जम्मू का कौन सा जो भला करने वाले हैं? सो ये आज जम्मू की जो लूट कसूट है हम उसके खिलाफ सड़कों पर हैं। अगर जम्मू के साथ कोई लूट कसूट करेगी तो हम उसके खिलाफ हैं। इस गवर्नमेंट को हम वार्न करना चाहते हैं कि जम्मू के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी ना करें, और ये जो आप जम्मू की रिसोर्स बाहर के लोगों को बेचना चाहते हैं वो आप ना बेचें, तो उसी में जम्मू कश्मीर की भलाई है और नौजवानों की भी भलाई है। देखिए आपको आपके सामने है, हम आज सड़कों पर हैं, आने वाले दिनों में भी इससे बड़ी तादाद में करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के जो भी मसले हैं उस मसले के हल के लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, और उनकी कोई भी तकलीफ या मुश्किल होगी उसको हम हल करने के लिए सड़कों पर आएंगे।